गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इनसाइड आर माउथ, लेसन टू इन योर ईवीएस बुक. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट आर माउथ हैज़ टीथ एंड टंग. हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं और टंग होती है. टंग के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट इट इज़ वन ऑफ द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स इन टेस्ट. ओके, हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं और वो हमें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है. नाउ वी विल प्रोसीड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द टीथ इन दिस चैप्टर. टीथ हेल्प्स टू च्यू फूड. टीथ जो होते हैं वो खाना चबाने में हेल्प करते हैं. दो फंक्शंस हैं बेसिकली टीथ के. Teeth chop the food in our mouth into smaller pieces so we can swallow it easily. जो teeth होते हैं वो हमारे खाने को chop कर देते हैं. Chop means, अगर आपने अपने मम्मी को देखा होगा वो सब्जियों को chop करती है. That means छोटे छोटे pieces में काट देना. तो हमारे mouth के अंदर teeth का क्या रोल है? जो हम खाना खाते हैं उनको smaller pieces के अंदर cut कर देना. So we can swallow it easily, ताकि हम उस खाने को easily swallow कर सकें, मतलब निगल सकें. अगर वो बड़ा bite है, अगर हम properly chew नहीं करते हैं तो हमें swallowing में problem होती है. Next one is teeth gives shape to our face. हमारे face को shape देता है teeth. अगर आपने देखा होगा जो old people होते हैं जिनके mouth में teeth नहीं होते हैं तो उनका face जो है वो काफ़ी बाद में लेटर ऑन थोड़ा सा अगली लुक देता है. ओके, अगर प्रॉपर टीथ हैं, अगर किसी के बहुत सुंदर दांत हैं तो उसका फेस बहुत ही सुंदर नज़र आता है. देखिए, ये एक माउथ मैंने ड्रॉ किया है, इसमें टीथ और टंग लिखा है. ओके, दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ माउथ. इट कंसिस्ट ऑफ टंग, टीथ एंड गम्स. गम्स जो कि टीथ के नीचे की तरफ होते हैं, जिन्हें हम मसूड़े कहते हैं. दीज आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, वी विल स्टडी इट लेटर ऑन. लेकिन मैंने एक डायग्राम बना दिया है आपको समझाने के लिए. ओके, बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ टीथ, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टीथ ग्रोथ, कि टीथ की किस टाइप से ग्रोथ होती है हमारी एज के साथ. स्मॉल बेबीज डू नॉट हैव एनी टीथ. छोटे बच्चों के जब वो पैदा होते हैं दांत नहीं होते हैं. फर्स्ट टूथ, टूथ का मतलब होता है एक दांत, और टीथ का मतलब होता है एक से ज़्यादा दांत. अगर हम दो दांत के बारे में बात करें या हम सारे दांतों के बारे में बात करें, उसे हम टीथ कहेंगे, और टूथ का मतलब है एक दांत. फर्स्ट टूथ ग्रो व्हेन अ बेबी इज 6 months ओल्ड. जब बेबी 6 महीने का होता है तब उसके पहला दांत निकलता है. एट द एज ऑफ 2.5 years, जब वो 2.5 साल का होता है, बेबी हैज़ कम्प्लीट सेट ऑफ 20 teeth. उसके मुँह के अंदर 20 दांत के करीबन हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत. ओके, हम 3 दांतों के बारे में डिस्कस करेंगे, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ एंड विजडम टीथ. 3 तरह के दांत होते हैं. ओके, नंबर 1 मिल्क टीथ, जिसे हम बेबी टीथ भी कहते हैं, या टेम्प्ररी टीथ भी कहते हैं, या फिर प्राइमरी टीथ के नाम से भी कहते हैं. अ चाइल्ड्स माउथ कंटेन 20 teeth. मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे एक बच्चे के दांत में जो करीबन 2-2.5 साल का है, उसके मुंह के अंदर 20 दांत होते हैं, 20. दीज आर नोन एज मिल्क टीथ, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, या फिर टेम्प्ररी टीथ कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ नाम ही सजेस्ट कर रहा है बच्चों, टेम्प्ररी मतलब जो थोड़े टाइम के लिए हैं, परमानेंट मतलब जो एक परमानेंट हमारे माउथ के अंदर फिक्स हो चुके हैं, जो हमेशा रहेंगे. व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ, जब ये दूध के दांत गिर जाते हैं, रिप्लेस्ड बाय द टीथ नोन एज परमानेंट टीथ, तब ये परमानेंट जो आपके आ चुके हैं, जब हमारे दांत टूट कर, बचपन के जो दांत हैं मिल्क टीथ टूट कर, जब वो हमारे मुँह में परमानेंट टीथ जो हैं वो आ जाते हैं. एट द एज ऑफ 12 years, जब आप 12 साल के हो जाएंगे, आपके मुंह में 28 teeth जो हैं वो आपके माउथ में आ जाएंगे. सो 12 years तक के बच्चे के मुंह में 28 दांत होते हैं मुंह के अंदर. नेक्स्ट वन इज़, अगर आपने सुना होगा विजडम टीथ. इन 2 दांतों के बारे में आपको पता है क्योंकि आपके भी टूट कर आ चुके हैं, मिल्क टीथ
जो आपके बचपन में थे दूध के दांत, नेक्स्ट परमानेंट टीथ जो आपके टूट के आ चुके हैं, दैट इज़ नोन एज परमानेंट टीथ। अब हम तीसरा पढ़ेंगे विजडम टीथ। अगर आपने आपकी मम्मी या बड़ों के मुँह से सुना हो कि अकल दाढ़, अगर आपने सुना हो कि अकल दाढ़, दैट इज़ नोन एज विजडम टीथ। फाइनल सेट ऑफ मोलर्स, जो मैंने आपको ये चार, देखिए ये चार जो डायग्राम्स बना रखे हैं मैंने, इसमें देखिए इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये जो मोलर है जिसको हम दाढ़ बोलते हैं, जो आपके लास्ट में जो दाढ़ आ रखी है देखिए माउथ के अंदर जो इस जगह होती है उसे मोलर्स कहते हैं, उसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी बाद में। ये जो विजडम टीथ है ये है फाइनल सेट ऑफ मोलर्स, जब आपके मोलर्स का लास्ट में जो फाइनल सेट आता है, दीज आर नोन एज विजडम टीथ। मोस्ट पीपल गेट बाय द एज ऑफ 20 और आफ्टरवर्ड्स, जो कि लोगों के 20 साल के आसपास ये दांत उगते हैं। ये जो तीन दांत मैंने आपको पढ़ाए, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ और विजडम टीथ, तीनों मिलकर एक कंप्लीट सेट ऑफ 32 टीथ बनाते हैं। जिसके मुंह में विजडम टीथ नहीं है, अगर जिसके अकल दाढ़ नहीं आई है, दैट मीन्स उसके मुंह के अंदर 32 टीथ नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू द टाइप्स ऑफ टीथ इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।